तो स्टूडेंट्स यार फाइनली जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर को नोटिस आया रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो अब आपको क्या करना है, स्पेशली पीजी वाले बच्चों की अगर अपन बात करें तो यार ये देख सकते हो, आपको ecounseling.in पे आ जाना। ठीक है, जैसे आप ecounseling.in पर जैसे आ जाते हैं आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है रिगार्डिंग LLB, LLM, IPS, MCOM, MA, MSc, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, फीस पेमेंट। यहाँ पे आप जो काउंसलिंग शेड्यूल चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अगर अपन शेड्यूल की बात करें तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, टिल 3 अक्टूबर तक चलेंगे। ये देखो पीजी के लिए है ये। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट है एंड वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिशन। एंड यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया मार्क्स का, जैसे 3 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक यहाँ पे कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया कि इतने इतने मार्क्स होने चाहिए तब आप अप्लीकेबल है। ओके, अब आपको क्या करना है यार, पहले हम जाएंगे रजिस्टर योरसेल्फ। अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है वो भी बता देता है। तो पहले रोल नंबर डालना है, फिर सब्जेक्ट डालना है। रोल नंबर कहाँ से डालूँ, जब मैंने डाल दिया 2000202000 यार आप लोग जो है जहाँ पे अगर सही रोल नंबर डालोगे तभी ये एक्टिवेट होगा, वरना एक्टिवेट ये नहीं होगा। ठीक है, तो यार मेरा सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है अभी, तो मैं कर नहीं पा रहा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। लेकिन आपको जो है स्टेप वन में क्या करना है, बेसिकली आपके जो भी रोल नंबर है, ठीक है, जैसा कि स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, तो यहाँ पे वो आपको डालना है। एंड उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, सिर्फ वही बच्चे अप्लीकेबल हैं। क्राइटेरिया की अगर अपन बात करें तो यार क्राइटेरिया आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था। आई थिंक काउंसलिंग शेड्यूल में जाके चेक करेंगे सारे बच्चे क्राइटेरिया। जिन बच्चों के इतने मार्क्स से ऊपर है वही सिर्फ फॉर्म भर पाएंगे, वरना आप फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और अगर आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डिफेंस एंड स्टडी टेक्नोलॉजी जो भी स्टडीज है, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स 168 है, ST कैटेगरी के लिए 68 है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए और ऑल कैटेगरीज इंक्लूड UR के लिए 168 है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये देख लो इनके लिए इतना है, एंड अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग दिया गया है। ओके, अब अगर किसी बच्चे के इन मार्क्स से कम आता है तो अब या तो वो फॉर्म फिल कर ही नहीं पाएगा, और अगर फॉर्म फिल कर पाता है तो फिर वो जस्ट लाइक आप देख सकते हो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, MSc के लिए ये कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया दिया है, MSc एग्रीकल्चर के लिए ये है। जर्नलिज्म के लिए भी दिया गया है, हमें इंग्लिश, हमें संस्कृत, हमें एजुकेशन, हमें फिजिकोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर, MSc मैथमेटिक्स, MSc स्टैटिक्स। ठीक है, तो यार ये सारा सीन है, आप सभी लोग इनको जो है थोड़ा ध्यान से फॉर्म फिल करें। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने हमारा CUT गाइडेंस प्लान नहीं लिया वो जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं टू गेट द एडमिशन, कि कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, सारा सब कुछ टोटली डिस्कशन गाइड। ठीक है,